जय श्री कृष्ण। साई बिजनेस क्लब में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट। कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है, साई बिजनेस क्लब के एसोसिएशन हूँ। तो आज हम मेष से मीन राशि का भविष्य कोड़ी और रमन शास्त्र के ऊपर से करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है? नौ नंबर का भाव आ रहा है, तो मेष राशियों के लिए नौवा भाव दिखा रहा है। कहीं आपके भाग्य दिशा चेंज हो रही है, कहीं पे आप कुछ नया होने जा रहा है, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो रही है। तो नौवा भाव दिखा रहा है कि कहीं पे कुछ आपको संतान प्राप्ति के योग भी हो रहे हैं, तो आप सेकंड संतान अडॉप्ट भी कर सकते हो। और कहीं पे दूर की यात्रा भी होने वाली है, धर्म की यात्रा भी हो सकती है, फॉरेन की यात्रा भी हो सकती है। और लकी नंबर रहेगा आपका नौ नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। तो आप क्या करेंगे, एक छोटी सी रेमेडी दी जाती है आपको, साउथ दिशा में मंगल की दिशा है, तो आप क्या करें, वहाँ पे एक छोटी सी वाटी में उड़द की दाल रखिए, और उड़द की दाल आपको वीकली चेंज करनी है, ट्यूसडे टू ट्यूसडे। तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा, जहाँ पर रुकावट आ रही है तो रुकावट चली जाएगी। और हो सके तो गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है वो चली जाएगी, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। अभी आ रही है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? फोर्थ नंबर का भाव आ रहा है, तो वृषभ राशियों के लिए खास ध्यान रखना है, आप अपनी माताओं के बारे में, हेल्थ के बारे में ध्यान रखें कि क्या करना है, कैसे करना है। कहीं पे एजुकेशन के बारे में, बच्चों के बारे में भी सोच रहे हो, कहीं पे नई कार लेने के बारे में सोच रहे हो, नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं पे कुछ नया होने जा रहा है, तो खास ध्यान रखें। तो वृषभ राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, लकी नंबर रहेगा चार नंबर, और आपकी लाइफ में अचानक से कुछ चेंजेस आने वाले हैं। कहीं पर आप अपने खुद के नया मकान में भी जा सकते हो, या तो रेंट पर भी जा सकते हो, तो खास ध्यान रखें, जो भी करें एग्रीमेंट करके साथ में कीजिए। और लकी नंबर रहेगा आपका चार नंबर, लकी कलर रहेगा आपका डार्क ब्लू कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, या तो ब्लैक कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि, तो मिथुन राशियों के लिए ये वीक कैसा है? सातवां भाव दिखा रहा है वृषभ राशियों के लिए, अरे मिथुन राशियों के लिए सातवां भाव कुछ नया दिखा रहा है कि कहीं पे कहीं बच्चों की शादी होने का योग आ रहे हैं, युवक और युवतियों के लिए। कहीं पे आप बिजनेस में पार्टनरशिप भी सोच रहे हो, तो पार्टनरशिप भी कर सकते हो, उससे काफ़ी फायदा होगा। और कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कहीं हस्बैंड वाइफ भी पार्टनर बन सकते हैं, और रियल लाइफ में भी हो सकता है, बिजनेस भी कर सकते हो आप, तो बहुत ही अच्छा है ये वीक के लिए। तो आप एक लकी नंबर रहेगा आपका सात नंबर, लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच। एक छोटी सी रेमेडी दी जाती है कि आप क्या करें, आपकी जो भी कुल देवी है, वो कुल देवी के मंदिर में आप कुछ माता जी को साड़ी का चढ़ावा चढ़ाइए, या तो आपके मंदिर खुद कुल देवी के जो मंदिर रहता है वहाँ पे आप एक काम कीजिए कि वहाँ पे आप ध्वजा चढ़ाइए, तो भी आपका काम जहाँ पे रुका हुआ है वो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सब लोगों को मन्नत लेने को नहीं आती, मन्नत कैसे ली जाती है, तो मन्नत लेने का एक तरीका दिखाती हूँ कि कभी आपका काम रुका हुआ है या शादी नहीं हो रही, तो आपको क्या कहना है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए एक महीने के अंदर, तो मैं माँ ये चढ़ावा चढ़ाऊँगी। आप जब भी मन्नत लेते हो तभी आप कुछ टाइम पीरियड नहीं देते हो माता जी को, तो टाइम पीरियड देना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है, तो ये प्रॉब्लम ना हो। तो मिथुन राशियों के लिए ये भी बहुत ही अच्छा है, और आप ये ऐसे मन्नत लीजिए तो आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? सातवां भाव अगेन आ रहा है, सातवां भाव कुछ कनेक्टेड हो रहा है, तो सातवां भाव से कनेक्टेड है, तो पार्टनरशिप आप बिजनेस के बारे में सोचे तो आप आगे बढ़िए, सक्सेसफुल होने वाले हैं। कहीं पे आप युवक युवतियों की शादी के बारे में भी सोच रहे हो, कहीं पॉलिटिक्स में भी जाने के लिए सोच रहे हो, तो पॉलिटिक्स भी आपको सूट होगी और सक्सेसफुल भी मिलेगा आपको, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे होंगे। कहाँ पे कुछ घर में नेगेटिविटी होती है तो तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, तो आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर नमक के सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो आता है, उसका आप घर में पूरा पोछा लगाइए, उससे काफ़ी फायदा होता है। और हो सके तो वेस्ट दिशा में, जो हनुमान जी की दिशा होती है, कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ के अंदर, तो क्या करना है, शनि की दशा चलती है,
शनि का विषोत्तरी दशा चलती, कुछ भी होता है प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है कि वेस्ट दिशा में सरसों का तेल का दिया जलाना है और वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा करना है 7 टाइम। वो नहीं कर सके तो यूट्यूब में भी चालू कर सकते हो, या तो आप सुंदरकांड के पाठ भी कर सकते हो यूट्यूब के अंदर, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी परेशानी है हनुमान जी ले लेंगे और उससे काफ़ी फायदा होता है। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर, लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। अभी आ रही है सिंह राशि, तो ये वीक के लिए सिंह राशि क्या कहती है। छह नंबर का भाव दिखा रहा है सिंह राशियों के लिए कि थोड़ा बच के रहना है, कहीं पे कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि कहीं रोग और शत्रु भी आपके बढ़ गए हो और आपकी हेल्थ अच्छी ना रहती हो, कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, और कहीं पे आप इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हो तो इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर कीजिए। कहीं पे आप सोच रहे हो कि मेरी मौसी है, मेरी चाची है या काकी है, तो ऐसे उसको आप इन्वेस्ट ना कीजिए और पैसा दे तो आपको लगे कि अंदर अंदर रिलेटिव्स में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो आपको खास ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, जो भी पैसे इन्वेस्ट करें वो एग्रीमेंट के साथ करें, या तो इंश्योरेंस में भी डाल सकते हैं वो पैसे, तो आपको रिटर्न मिलने की शक्यता हो सकती है। और कहीं पे व्यय दिखा रहा है, खर्च दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं या तो कोर्ट कचहरी के भी हो सकते हो, तो आपको एक छोटी सी रेमेडी दी जाती है। आपको क्या करें, आपके घर के आजू बाजू जो भी हॉस्पिटल रहती है या कोर्ट कचहरी रहती है, वहाँ पे जाके इक्वा गार्ड का पानी लेके आना है बोतल के अंदर, और वो बोतल का पानी आप घर के अंदर छिड़काव कीजिए और एक घुट रोज जो भी बीमार रहता है और जिसकी भी परेशानी है वो पिए, तो उससे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा वाइट कलर। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। नौवा भाव हो रहा है तो कन्या राशियों का भाग्य चेंज हो रहा है, बहुत ही अच्छा भाग्य बदल रहा है। कहीं पे बड़ी मुसाफरी हो रही है, या तो कहीं पे सोच रहे हो कि कहीं पे ट्रैवलिंग हो रही बड़ी, या तो कुछ मकान के बारे में चेंजेस आ रहे हैं, या तो आपको संतान नहीं है तो आप एडप्ट करने की सोच रहे हो तो एडप्ट भी कर सकते हो, आपको लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। और लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, लकी कलर रहेगा रेड कलर। और आपको साउथ दिशा में क्या करना है, मंगल की दिशा है साउथ दिशा, तो आप उज्जैन में मंगल देव का स्थान भी है तो वहाँ पे पूजा और हवन भी करवा सकते हैं। वहाँ पे मंगल देव की भात पूजा बहुत होती है तो उससे काफ़ी फायदा होता है, तो वो पूजा भी आप करवा सकते हो और बहुत ही अच्छा रहेगा। वो नहीं करवा सके तो साउथ दिशा में आपके घर के अंदर एक छोटी सी कांच की कटोरी या तो छोटी प्लास्टिक की कटोरी लेके उसमें गेहूँ रख सकते हो और ट्यूसडे टू ट्यूसडे चेंज करना है और वो आपको पक्षी में दाने में डाल देना है। उससे क्या होगा, वो दिशा में जो भी प्रॉब्लम आ रही है साउथ दिशा में, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी निकल जाएगी और पक्षियों के एनर्जी चली जाएगी, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। आठवां भाव कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए, तो तुला राशियों के लिए खास ध्यान रखना है कि कहीं पे कुछ माल मिलकत मिल रहा है या तो मकान मिल रहा है, बहुत ही अच्छा विल वारसत मिल रहा है आपके, ये भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपके पैर में मोच ना आ जाए, कहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं पे एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कमर से पैर तक को आपको क्या करना है, तेल की मालिश करनी है, सरसों के तेल की मालिश करनी है। उससे क्या होगा, आपके जो नज़र लगी है वो भी निकल जाएगी और आपके यहाँ परेशानी हो कि मिलकत मुझे नहीं मिल रही, मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सोल्व हो जाएगा और काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी छोटी सी एक रेमेडी दे रही हूँ, घर को आपको क्लीन करना है, आपके घर की एनर्जी जो नेगेटिव हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपके घर की जो दहलीज है वहाँ पर एक मिट्टी का दिया लेना है और वहाँ पर एक कपूर और एक लौंग जलाना है, उससे आपका घर की जो नेगेटिव एनर्जी वो चली जाएगी। और आपको सरसों का तेल की जो मैंने बताई रेमेडी वो भी करने से क्या होगा कि पैर की मोच आने वाली है या तो पैर में एक्सीडेंट होने वाला है तो उससे आप बच जाएंगे और काफ़ी परेशानी वो दिक्कत भी चली जाएगी। और लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ब्लैक ब्लू और डार्क पर्पल कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो ये वीक के लिए वृश्चिक राशि क्या कहती है। सातवां भाव आ रहा है आज, सातवां भाव बहुत सारे राशियों को अलग अलग बार बार आ रहा है, तो सातवां भाव कनेक्टेड हो रहा है
हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा वीक है। कहीं पे आप हस्बैंड वाइफ पार्टनरशिप के लिए भी सोच रहे तो पार्टनरशिप भी कर सकते हो। कहीं पे युवक युवतियों की शादी भी हो रही है तो होने वाली है, हो रही है, और पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी सोच रहे तो पॉलिटिक्स भी कीजिए, उसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा। और आपकी जो वेस्ट दिशा है आपके घर के अंदर, कहीं पे ऐसा भी होता है कि पितृ दोष भी होता है तो युवक युवतियों की शादियां नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करना है, आपके घर के अंदर जो वेस्ट दिशा या तो साउथ दिशा में सरसों का तेल का दिया जलाना है और हनुमान चालीसा का 7 टाइम पाठ करना है, या तो सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हो या राम रक्षा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हो। उससे काफ़ी परेशानी चली जाएगी और दूर हो जाएगी। जहाँ पे आपको सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है वहाँ पे सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका मिक्स एंड मैच। थोड़ी एक छोटी सी रेमेडी आपको क्या करना है, आपकी जो कुल देवी रहती है वहाँ पे आपको कुछ भी चढ़ावा चढ़ाना है, वहाँ पे एक ध्वजा चढ़ानी है जो आपका कार्य पूर्ण हो जाए बाद में, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर और लकी कलर मैंने मिक्स एंड मैच बताया। अभी आ रही है धनु राशि, तो ये वीक के लिए धनु राशि क्या कहती है। आठवां भाव हो रहा है धनु राशियों के लिए, तो आप विल वारसद मकान मालिक के लिए आप सोच रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी परेशानी आ रही है, क्या कुछ हो नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, आपको मिलेगा आपका हक ले, आपको क्या करना है कि आपके घर के अंदर कपूर और लौंग का मिट्टी के दिया के अंदर आपके घर की दहलीज के अंदर वो जलाना है सुबह और शाम, और आपके घर के पूरे जो नेगेटिव है वो सारा निकाल देना है और खड़े नमक से पोछा लगाना है पूरे घर के अंदर। और जब आप स्नान करने जाते हो आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हो कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप अपने बॉडी में से भी नेगेटिव निकाल दीजिए। तो आप जब स्नान करने जाते हैं तभी क्या करना है, गौमूत्र पानी में डाल के बकेट के अंदर डाल के फिर स्नान करना है तो काफ़ी परेशानी नेगेटिव निकल जाएगी। और भी लगता है कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो जब आप रात को सोने जाते हैं तभी क्या करना है, एक पानी का ग्लास भर के कांच का रखना है, उसमें खड़ा नमक एक मुट्ठी खुद की भर के डाल देना है और आपके सिरहाने के नीचे वो ग्लास रख देना है पानी का भर के नमक वाला, और फिर सुबह में उठते ही वो पानी आप पशु पक्षियों में डाल दीजिए, आपके बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाएगी और आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ब्लू पर्पल और डार्क ब्लैक कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो ये वीक के लिए मकर राशि क्या कहती है। मकर राशियों के लिए जो तीसरा भाव आ रहा है तो तीसरा भाव दिखा रहा है कि कहीं पे कुछ जर्नी, छोटी जर्नी होने जा रही है, कहीं पड़ोसियों के साथ एंजॉय करने जा रहे हो, छोटे भाई बहनों के साथ या कहीं पे पराक्रम दिखा रहे हो तो आपके लिए ये भी इंजॉय करने का है तो इंजॉय कीजिए। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येलो कलर। आपको एक छोटी सी रेमेडी दी जाती है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में कहीं पे आपके ट्रैवलिंग रुक जाती है, ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, घर में आप कोरोना की वजह से बोर हो रहे हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा में क्या करना है, भगवान को 5 पीले लड्डू धरा दीजिए, हर गुरुवार को धराना है बृहस्पतिवार के दिन, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और लकी कलर मैंने बताया 3 नंबर है और लकी कलर आपका येलो रहेगा। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो ये भी के लिए कुंभ राशि क्या कहती है। दसवां भाव दिखा रहा है तो आपको अपनी माता के बारे में, हेल्थ के बारे में खास ध्यान रखना है और नेगेटिव ना हो जाए या तो कोई डिप्रेशन में ना आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखें। और कहीं पे आप पार्टनरशिप के बारे में सोचे, व्यापार के बारे में, तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो और अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं जॉब ना करूँ और मैं खुद का अपना चालू करूँ, तो आप खुद का अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हो, उससे भी काफ़ी फायदा होगा और अच्छा रहेगा। तो आपका लकी नंबर रहेगा 1 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येलो और ऑरेंज कलर। आपको एक छोटी सी रेमेडी दी जाती है कि आपको क्या करना है कि सूर्य देव को पानी का जल का अर्क चढ़ाना है सुबह में उठते टाइम पे, उससे काफ़ी परेशानी आपकी चली जाएगी और लाइफ में सक्सेसफुल मिलेंगे, जहाँ पे आप अटक रहे हो वहाँ पे नहीं अटकेंगे। और एक छोटी सी रेमेडी, आपको आपके घर के अंदर ईस्ट दिशा में एक छोटी सी कांच की कटोरी लेनी है या तो प्लास्टिक की कटोरी लेके वहाँ पे गेहूँ रखना है। जैसे मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, तो पानी पूरी भेलपूरी, तो मुझे वो अच्छा लगता है। आप, मैं आपके घर पे आई, आप मुझे दिया तो मैं खुश हो जाती हूँ, तो वैसे ही आपको सूर्य देव को भी प्रसन्न करना है। उनका फेवरेट फूड कौन सा है, गेहूँ व्हीट, तो वो उनको आप फूड देते हैं आपके घर पे आए हुए, तो उससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वो खुश भी हो जाएंगे।
तो आपकी सक्सेसफुल आपको लाइफ में मिलने लगी, जहाँ रुके हैं वहाँ पे से हट जाएंगे। तो संडे टू संडे आपको चेंज करना है। लकी नंबर मैंने बता दिया, एक नंबर और लकी कलर वही रहेगा। अभी आ रही है मीन राशि, तो ये वीक के लिए मीन राशि क्या कहती है। अगेन दसवा भाव आ रहा है, सेम दसवा भाव कनेक्टेड हो रहा है। तो दसवा भाव से कनेक्टेड आप अपनी माता का ध्यान रखें और खुद हेल्थ के बारे में, डायबिटीज हो तो स्वीट खाने ना दीजिए, और हो सके तो आप खुद अपना पार्टनरशिप कर सकते हो बिजनेस के अंदर, खुद का जॉब भी छोड़ सकते हो, और आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है लाइफ के अंदर। और आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के ना देखें। अभी ये वीक आपके लिए बहुत ही शुभ है। लकी कलर जैसे मैंने एक बताया, लकी नंबर रहेगा ऑरेंज और येलो कलर। आपको एक छोटी सी रेमेडी के, आपको सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना है, और अर्घ चढ़ाने का जल का अर्घ चढ़ाने के टाइम पे आपको गायत्री मंत्र बोलना है, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाती है। सूर्यदेव को गायत्री मंत्र जब बहुत ही अच्छे लगते हैं, सूर्यदेव को पानी चढ़ाते टाइम पे। और ईस्ट दिशा में आपको हो सके तो गेहूँ रखना है, जैसे मैंने पहले ही बताया, अभी छोटी कटोरी लेनी उसमें रखना है, वीकली चेंज करना है। और हो सके तो उस दिन संडे के दिन आप रेड क्लॉथ भी पहन सकते हो, येलो क्लॉथ भी पहन सकते हो, उससे भी काफ़ी परेशानी और आपका सूर्य पावरफुल हो जाता है। तो साई बिजनेस क्लब की तरफ से ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही अच्छा रहे आपके लिए ये वीक। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से, मेरा मोबाइल नंबर है 9820692300। हो सके तो आपको काम है तो ही मुझे व्हाट्सएप कीजिए और फ़ोन कॉल कीजिए, नहीं तो मुझे परेशान ना कीजिए गुड मॉर्निंग और वो सब बोल के। और अभी मैं आपके प्रश्न के क्वेश्चन ले रही हूँ कि क्या है आपके क्वेश्चन, तो उसका मैं आंसर दे रही हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं मेष से मीन राशि का जब भविष्य करती हूँ तभी बीच में मैं किसी को आंसर नहीं देती हूँ। आप बहुत सारे क्वेश्चन लिख डाले सब लोग ने। अभी तुषार वर्मा जी, हरे कृष्णा, मैम मेरे चाचा प्रवीण की शादी श्रद्धा लड़की के करने ठीक रहेगा या नहीं। नौ नंबर आ रहा है, तो अच्छा रहेगा, शादी कीजिए और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और सक्सेसफुल हो जाएंगे। शैलेंद्र सोनी जी, आपका क्वेश्चन क्या है, एग्ज़ाम क्लियर होगा। ओके, आठ नंबर का हो रहा है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मीनाक्षी जी, मैम माय हेल्थ इश्यू रेमेडी प्लीज़। आपके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, आपने वो क्लियर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप ज़रा बताइए मीनाक्षी जी, आपके हेल्थ इश्यू ज़्यादा ही है और व्यय का स्थान भी दिखा रहा है। आपकी जो भी इश्यू है, मुझे थोड़ा कमर का दर्द और वो दिखा रहा है मीनाक्षी जी। तो आपको क्या करना है कि आपकी आपकी जो भी दवाई खा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपकी दवाई का पूरा पैकेट रख दीजिए, और हो सके तो सरसों के तेल की कमर से पैर तक मालिश कीजिए पूरे वीक तक, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। रात को सोने के टाइम पे लगाना है सरसों का तेल, आधे घंटे पहले, ताकि गद्दे में ना लगे। शैलेंद्र जी सोनी, मैंने आपको आंसर दे दिया है, साई बिजनेस क्लब में माँ मेरे सारे बिजनेस का बारे में बताइए फ्रॉम कृति। कृति जी, मैंने आपको साई बिजनेस क्लब, गुरु पूर्णिमा है तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पहले भी मैंने आपको ब्लेसिंग दे चुकी हूँ, फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ। दसवा भाव आ रहा है आपका कृति जी, आपकी बहुत ही अच्छे बिजनेस साई बिजनेस क्लब जाने, नंबर टॉप वो नंबर वन पे जाने वाला है। साथ में मैं तो रहूँगी, मेरी बेटी है तू, इसलिए तो टेंशन ना ले। और सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाए गायत्री मंत्र के साथ, और ईस्ट दिशा का मैंने काफ़ी सारी रेमेडी बताई, तो वो भी कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, चेंजेस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन, નિલેશ ભાઈ તમારો કઈ ક્વેશ્ચન છે, એની અધર ક્વેશ્ચન્સ? ઓકે, તો સન કી પૂજા કરની હે સાઈ બિઝનેસ ક્લબ કો, ઓર વોટર કા અર્ઘ, જબ પાણી કા જલ કા અર્ઘ ચઢાતે તભી ગાયત્રી મંત્ર કા જાપ કરના હે, ઉસે કાફી પરેશાની દૂર હો જાયેગી। और થેન્ક યુ વેરી મચ સાઈ બિઝનેસ ક્લબ કો, ઓર બહોત હી અચ્છી તરહ સબ લોગ દેખ રહે,
और फ्राइडे हमारा टाइम रहेगा 4:30 to 4:30, ऑलवेज फ्राइडे टू फ्राइडे। मृदुल शाह जी पूछ रहा है, मेरी डॉटर रिया मैरिज चांसेस कब है? ओके, आपके बेटी का मैरिज चांसेस बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। थोड़ी दिक्कत आ रही है, सूर्य दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी बेटी को बोलना है सूर्य को अर्घ चढ़ाए, तो उसे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी, और गायत्री मंत्र का जाप करें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है कि आपके घर की खुद की ईस्ट दिशा में एक छोटी सी कांच की कटोरी या तो मिट्टी का दिया, उसमें भी आप गेहूँ रख सकते हो, और वो रख के आपको क्या करना है, संडे टू चेंज करना है, और आपकी बेटी को संडे को गेहूँ का सीरा खिलाना है, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और हो सके तो रेड या तो येलो कलर के क्लोथ पहनने को बोले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसका सूर्य थोड़ा वीक दिखा रहा है, तो आज साईं बिजनेस क्लब की ओर से आप सबको ये वीक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। फ्राइडे बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए नील जैन पूछ रहे हैं, हेमल ए भगवान, हिमानी सीए की एग्जाम में पास हो जाएगी? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। पास हो जाएगी, थोड़ा दिक्कत आ रही है, सूर्य का प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो मैंने सूर्य देव की बहुत सारी रेमेडी दिखाई है, तो वो आप कर दीजिए हेमल जी, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और सीए की एग्जाम पास हो जाएगी। घर के अंदर ईष्ट दिशा बहुत क्लीन रखे, ईष्ट देव सूर्य देव की दिशा है, वहाँ पे लोखंड की कोई भी चीज ना रखे, ओके, तो उसे काफी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हिना ओझा।